नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। दिल्ली नगर निगम यानी MCD के एकीकरण से जुड़ा बिल बुधवार को लोकसभा से पारित हो गया। इस बिल में निगम की तीनों इकाइयों को एक बार फिर से एक करने का प्रावधान है। बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। अमित शाह ने केजरीवाल पर जानबूझकर MCD का पैसा रोकने का आरोप लगाते हुए कहा है, दिल्ली की जनता इसका हिसाब मांगेगी। अब इस बिल को राज्यसभा से पारित करवाया जाएगा। बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने केजरीवाल सरकार पर बड़े आरोप लगाए और कहा, केजरीवाल सरकार ने MCD को उसका हक का भी पैसा नहीं दिया, जिसके चलते वो घाटे में है। अमित शाह के मुताबिक दिल्ली के वित्त आयोग ने दिल्ली सरकार से MCD को 40,000 करोड़ रुपए की अनुशंसा की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें से केवल 7,000 करोड़ रुपये ही दिए। अमित शाह ने कहा, MCD के इस घाटे को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की, लेकिन घाटा 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अगर केजरीवाल सरकार ने MCD को 40,000 करोड़ रुपए दिया होता तो MCD आज 22,000 करोड़ रुपए के फायदे में रहती। गृह मंत्री ने पूछा, जब MCD को देने के लिए केजरीवाल सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो फिर उसके पास करोड़ों के विज्ञापन और अपने कार्यकर्ताओं की असंवैधानिक नियुक्ति के लिए पैसे कहां से आए। MCD को एक करने का कानून बन जाने के बाद परमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद चुनाव करवाया जाएगा। हालांकि महीने इस प्रक्रिया को पूरा होने की कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। आपको बता दें, BJP पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, BJP और उसके कार्यकर्ता कभी भी चुनाव से नहीं डरते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।